नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का धार कितना तेज है। ठीक है, बहुत ही तेज धार है। देखिए किस तरह पानी का तेज धार है, एकदम साफ, एकदम पूरा क्लियर। हमको नहीं लग रहा है कितना तो प्योरीफायर वाला साफ होता होगा। प्योर नेचुरल है, प्राकृतिक है। कितना आनंद लग रहा है, एकदम प्योर वीडियो है। आप देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल जिसको बोलते हैं। और देखिए पानी किधर जा रहा है, इधर होते हुए खेत में जा रहा है। ठीक है, और खेत में भी आप देख सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए पूरा खेत में पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है यहाँ पर। ठीक है, और खेत नहीं होने के कारण दुख की तो बात है, क्योंकि गांव में लोग अधिकतर खेत के ऊपर ही निर्भर होता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी गरीब का अगर खेत नहीं होता तो घर चलाने में कितना मुश्किल होता है। और ऐसे हम लोग बहुत गरीब हैं, किसी तरह हम लोग गुजारा करते हैं। ज़्यादा बड़ा बड़ा सपना तो नहीं है, हर साल एक ही सपना होता है कि पानी बढ़ जाए, खेती हो जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं चारों तरफ कि हम लोग का गांव एकदम उस पहाड़ी के सामने है। वहाँ से उतना दूर हम सिर्फ खेत का नज़ारा देखने के लिए आए कि खेत में पानी है कि नहीं है। ऐसे तो सीज़न अभी चल रहा धान रुपाई का, लेकिन पानी बहुत लेट से पड़ने के कारण इधर फसल नहीं हो पाया, धान नहीं लगाया गया। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी चीज़ दिखाते हैं आप लोग को, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ जो नेचुरल रूप से सब तैयार किया गया है, प्राकृतिक रूप से। एकदम पूरा खेत में पानी भर चुका है, आप देख सकते हैं एकदम तालाब ऐसा, पानी बिल्कुल साफ है, एकदम इतना साफ है मत पूछिए। हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग का प्यूरीफायर में जहाँ भी जो भी लेते हैं जैसे लेते हैं उतना साफ नहीं होगा, एकदम पूरा क्लियरिटी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए एकदम पानी में किसी टाइप का कोई चीज़, अंदर में ग्रीन ग्रीन घास उस निकल गया और अच्छा लगता है दिखने में। देखते पूरा पानी भर चुका है, एक नंबर हो। ये देखिए खेत में कितना पानी भर गया है। सामने सूरज निकल आया है, काफी लेट हो चुका है और खेत में हम लोग हैं, और जगह काफी खतरनाक है। कहाँ पर यहाँ पर जो होता है जंगल में पानी वाला सुअर, वो काफ़ी हमला भी करता है और कई लोगों को घायल भी कर चुका है, जिसके कारण डर भी लगता है हम लोगों को। अब पूरा खेत में पानी भर चुका है। आप जिस जगह से जिस गांव से हैं इसमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। देखिए इस बेर में अभी फूल आ चुका है, ये छोटा छोटा बेर होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। जब बेर हो जाएंगे तो आप लोग को वीडियो ज़रूर दिखाएंगे हम। ये बेर बाज़ार में नहीं मिल पाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, ये खेत के किनारे हुआ है। हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर आप लोग को लेके आना चाह रहे थे हम। आप देखिए ये जो पत्थर है ये आप रूपी तैयार हो चुका है, अभी तो काफ़ी घास हो चुका है तो जगह बढ़िया नहीं है। अभी आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए पत्थर, इस पत्थर चारों तरफ जब घास नहीं रहता तो बीच के हम लोग बैठते भी हैं आराम से, बहुत बढ़िया जगह है। आप चारों तरफ इसी तरह पत्थर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सब जो पेड़ पौधा सब सूख जाता है और काफ़ी क्लियर साफ नज़र आता है।
आप यहाँ बैठ के मेडिटेशन वगैरह योगा वगैरह आराम से कर सकते हैं। ये जो सामने ये जो पत्थर है इसमें चढ़ने से चारों तरफ नज़र आता है हम लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं गांव की महिला है, चाची है, जो देसी झाड़ू को लेके जा रही है घर। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है, यहाँ से भी देख सकते हैं चारों तरफ ये अपने आप तैयार हो चुका है। सामने वाला लगता है कि जैसे कोई गुफा है, देखिए ठीक है। इस तरह से चारों तरफ ही पत्थर यहाँ पर हैं। ये जब हट जाता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, और ख़ासकर गर्मी के टाइम पर सबसे ज़्यादा इधर बैठते हैं। आप देखते जाइए, ज़्यादा दूर तक नहीं है, मोटा मोटी 100 मीटर तक 100 मीटर तक सब पत्थर फैला हुआ है। अब पत्थर के ऊपर ही पत्थर चढ़ा हुआ है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी घास हो चुका है, क्लियर नज़र तो नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पत्थर के ऊपर ही पत्थर चढ़ा हुआ है, और ये कैसे हुआ है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन है तो फैक्ट। आज से बहुत दिन पहले कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये सब तैयार है। और सामने हम लोग का गांव है, ठीक है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जब मौसम हरा होता है, गर्मी के टाइम पर जब पानी पड़ जाता है तो हरा हरा हो जाता है ना बीच में, उस समय यहाँ पर आने से काफ़ी मज़ा लगता है। अभी तो बरसात का सीज़न है, घास वास दुनिया भर का हो चुका है। आइए आपको चाची से मिलाते हैं। से पहले खेत में पानी भी है, पानी का आवाज़ तो आ रहा है आप लोगों को। चाची इसमें क्या करते हैं अभी आप? अच्छा, कितना दिन से कर रही वाला? 2-3 दिन से। अच्छा, कितना दिन चलता है झाड़ू? तो यह झाड़ू 15 दिन। अब बिकता कैसे है? हम तो ना बेचली। तो गांव में बोलता है 15 रुपया पीस, 10 रुपया पीस। हाँ, अपना है तो 15 रुपया पीस। जिस तरह बाजार में झाड़ू मिलता है उस तरह यहाँ पर गांव का लोग खेत से झाड़ू निकालते हैं। इसको कहते कौन चीज़? इसको कहते चौरचटा देहाती में, लेकिन आप लोग क्या कहते तो पता नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग इसको कहते क्या है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।